केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। केलांचल टाइम्स के सभी दर्शकों को नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। राज्य और देश भर की तमाम खबरों की ओर रुख करते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। हाईकमान से बिना मिले दिल्ली से लौटे नवजोत सिंह सिद्धू। हरीश रावत का चंडीगढ़ में तीसरा दिन। कैबिनेट में बदलाव कर बागी मंत्रियों की छुट्टी करना चाहते हैं कैप्टन। नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच के खींचतान अब नया मोड़ लेती नजर आ रही है और पार्टी हाईकमान इसमें कुछ भी नहीं कर पाने में संभव नहीं दिख रही है। आज हरीश रावत का चंडीगढ़ में तीसरा दिन है और इस मामले में कैबिनेट में बदलाव कर बागी मंत्रियों की वो छुट्टी करना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बने चर्च, सीएम भूपेश बघेल का दावा। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी चिंतन शिविर में 15 साल के कुशासन पर चर्चा कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह को घेरा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक चर्च बीजेपी के शासनकाल में बने हैं। हम सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं, जहां जिस समुदाय की संख्या ज्यादा हो वहां उनका धार्मिक स्थल बनाया जाता है। किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने वाले करनाल के एसडीएम का तबादला। अब खट्टर सरकार ने दी यह जिम्मेदारी। हरियाणा सरकार ने बुधवार को करनाल एसडीएम आयुष सिन्हा सहित का तबादला कर दिया है। करनाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के 2018 बैच के अधिकारी आयुष सिन्हा कैमरे के सामने पुलिस से कथित तौर पर किसानों के सिर फोड़ने के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। 2021 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 भारत में लॉन्च। कीमत है 1,84,000 रुपए। 2021 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को भारत में 1,84,000 रुपए की कीमत से लॉन्च कर दिया गया है। ये एक दमदार मोटरसाइकिल है जिसका लंबे समय से इंतजार हो रहा था। अब इसे भारत में अपडेटेड फीचर्स के साथ उतार दिया गया है। बिग बॉस सीजन 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक निधन हो गया। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने दुनिया को अलविदा कह दिया। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हुआ। हम आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। इन दिनों वो अपने करियर के पीक पर थे। अब खबर झारखंड से। जेपीएससी नियुक्तियों में देरी पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा संवैधानिक संस्था नहीं होती तो आज करा देते बंद। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को धनबाद एडीजे मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य का महत्वपूर्ण एफएसएल लैब है और रिक्त पद पर को भरने के लिए जेपीएससी इतना समय लगाती है। ये शर्म की बात है कि लैब में 40% से कम मैन पावर पर काम हो रहा है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जेपीएससी कोई भी काम नहीं कर रही है। झारखंड की राजधानी में कोरोना मामले ने चिंता बढ़ा दी है। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। यह संख्या राज्य भर के लिए सबसे ज्यादा है। हाल यह है कि राज्य में कुल 146 मरीजों में से 79 अकेले रांची में हैं। प्रदेश की राजधानी में अब कुल 85,594 पॉजिटिव केस आए हैं। इनमें से 83,926 मरीज ठीक हो चुके हैं। इन 24 घंटों में राजधानी के अस्पतालों में सिर्फ 5 मरीज ही डिस्चार्ज हुए हैं। झारखंड के कुछ जिलों में हो सकती है कुछ घंटों में भारी बारिश। रांची में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया था कि कुछ ही घंटों में रांची में अच्छी बारिश हो सकती है। सिर्फ रांची ही नहीं, रांची समेत अन्य जिलों में भी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुरुवार को पाकुड़, साहिबगंज, गुड्डा, दुमका, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, देवघर एवं खूंटी में कुछ ही घंटे में बारिश होगी। केंद्र सरकार बंद खदानों को चालू करना चाह रही। हेमंत सरकार डाल रही अड़ंगा, ऐसा कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। केंद्र सरकार बंद पड़ी लौह अयस्क खदानों को पुनः चालू करने के निमित्त ई नीलामी की योजना नियम के तहत बना रही है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अड़ंगा डालकर खदानों को खोलने के बदले खुद के लिए आयरन और खदान को रिजर्व रखने में जुगत किए हुए हैं। ये बातें चाईबासा परिसदन में प्रेस को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कही।
रानेश्वर दुमका, झारखंड हेमंत सरकार आदिवासी जन विरोधी है। शहीदों का सपना अबुआ दिशोमरे अबुआ राज को चकनाचूर कर दिया। लंबे अरसे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार झारखंड में राज कर रही है और इसमें पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा है। कई मुर्दों को ठगने का एवं चुप रहने के विरोध में आदिवासी सिंगल अभियान को लेकर मंगलवार को रानीश्वर इलाके के सालतोला पंचायत के पारपोलसा गांव में झारखंड सरकार हेमंत सोरेन का पुतला दह किया गया। प्रखंड अध्यक्ष बर्नर्ड हासदा, रंजीत मुर्मू, महाशय किस्कू, सुभाष सोरेन, विजेंद्र हेम्ब्रम, नरेश सोरेन आदि इसमें मौजूद रहे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।